इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है थ्री फाइव सिक्स इसके डायरेक्शन रेशियो ये है बेटा 3 5 4 6 ठीक है। और मेरी लाइन इस लाइन के पैरेलल, मुझे लाइन लिखनी है जो इस लाइन के पैरेलल है ठीक है। तो मुझे क्या मदद मिलेगी इससे, मैं इसके डायरेक्शन रेशियो का इस्तेमाल कर सकता हूँ। समझ में आ गया नहीं आ गया, जब कोई लाइन पैरेलल है तो उसके डायरेक्शन रेशियो इक्वल ठीक है बेटा। तो ये लाइन का पासिंग पॉइंट है, आपको नई लाइन लिखनी है, नई लाइन जो है नई लाइन क्या होगी जो इसके पैरेलल होगी। तो पासिंग पॉइंट पे यही ले लेंगे एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड अपॉन डायरेक्शन रेशियो थ्री ठीक है बेटा। बोलो बहुत इजी कंसेप्ट है बेटा। सेवंथ में कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है और वेक्टर फॉर्म में करनी है, कर लोगे करके दिखाऊं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन लाइन दैट पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड अच्छा आठवां क्वेश्चन अभी एक ग्रुप में सारे अब तुम लोग सेवंथ क्वेश्चन कर लोगे, मैं एट्थ क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। आपको वो लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो ओरिजिन से पास करती है और 5 -2 3 से पास कर, 5 -2 3 से पास कर ठीक है बेटा। आपको लाइन का पासिंग पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए, दो ही चीज चाहिए ना। आप इसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालो बेटा, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 लाइन को दो दो पासिंग पॉइंट मिलते हैं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पासिंग पॉइंट आपका ये था, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, x - x1 y - y1 कोई से का इस्तेमाल कर ले आप, दोनों सही है, आंसर डिफरेंट आए तो परेशान मत होना। अपॉन में डायरेक्शन रेशियो 5 - 2 और ये इजी है भाई। नाइन्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है, हो गया। टेंथ क्वेश्चन में आपको दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है, एक का बी वन दूसरे का बी टू, कोस थीटा क्या होगा बेटा, बी वन डॉट बी टू, बी वन का मैग्नीट्यूड कर लोगे भाई। अदिति बता, हो गया वेरी गुड। अच्छा तीसरा भी, तीसरा भी ऐसा ही है। इलेवेंथ क्वेश्चन में फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, दो लाइन दे रखी हैं, इस बार आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। एक क्वेश्चन अपने भी कॉपी में कर लो, थोड़ा मैं भी कुछ बचाऊंगा भाई। अभी हो गया खत्म, अभी आप इक्वेशन क्यों लिखो, इस एक ही मिनट का काम करो, डायरेक्शन रेशियो किस काम आएंगे आपके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो किस काम है। देखिए बेटा तुम लोगों के आज हेडफोन नहीं है ना, उसी में मैं अपने आप को पुरानी फोन में महसूस कर रहा था जैसे पहले था, काफी हद तक हमें ना डिस्ट्रैक्ट कर दिया ऑनलाइन में सारा डिस्ट्रैक्ट। बेटा पहली लाइन की इक्वेशन बोल दी, x - 2/2 y - 1/5 z + 3 z + 3 y - 3 x
एक्स प्लस अपॉन माइनस वन के वाई माइनस फोर अपॉन अपॉन एट क्लियर है सभी। देखिए ये दो लाइन है, ठीक है। एंगल का संबंध डायरेक्शन रेशियो से है, बाकी चीज से आपको कोई मतलब नहीं। पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट टू फाइव माइनस थ्री, अधिक आ रहा है यार। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेकंड माइनस वन एट फोर, कोस थीटा बेटा बी वन बी टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट माइनस टू फोर्टी माइनस ट्वेल्व अपॉन इसका मैग्नीट्यूड फोर, इसका मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर और वो वन प्लस सिक्सटी फोर, वन प्लस सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटी, ठीक है। इंटीग्रेशन का भी भय निकाल दो, खुद लिखो क्या आसान। अरे तो बहुत इजी है, फार्मूला याद करोगे इजी है, अब समझ आएगी। देखो डेली काम करोगे ना, आप बताओ क्या बना। 40 में से 14 गया, 24 गया ना, 26 अपॉन 9 रूट 13, कितना 9 रूट 13, 9 कहां से आ गया 18, अच्छा 9 रूट 38, तो थीटा आपका आ जाएगा cos इनवर्स भाई। 12th क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, दो लाइन का जो है आपको, दो लाइन परपेंडिकुलर है और आपको उनके बीच में क्या करना है, चल रही बेटा और निकिता ही बैठती हुआ खुद चला है, क्योंकि मैंने ये पाया कि जितना सेल्फ डिपेंडेंट होगी ना अपने आप में, समझ गई निकिता। और दूसरी बात, तुम्हारे यहाँ पे तू नाराज हुई, तुम्हारे यहाँ बड़े जल्दी शादी कर देते हैं बुजुर्ग, लड़ना है माँ बाप से नहीं करनी चाहिए, जब तक डिपेंडेंट ना हो साथी, मैंने ये पाया, और नहीं तो जिंदगी बेकार, गाय भैंस की सी जिंदगी हो जाती, किसी कुत्ते के बांध दिया तो चारे के लिए वेट करते रहेगा, वो चारा लाएगा, डिपेंडेंट रहोगे ना तुम अपनी लाइफ नहीं जी सकते, और जरूरी नहीं होता प्लस टू में ज्यादा नंबर नहीं आओ तो बाकी कामयाब नहीं सकते, संघर्ष करते रहो कामयाब हो जाओ। हमारे साथ के थे बेटा, तुम नहीं कहोगे, उस वक्त हम साइंस पढ़ते थे, उनके पास संस्कृत वगैरह से बोलो, समझो संस्कृत के साथ बीए के साथ, तो हम नाक मुंह से पढ़ते थे, मतलब मार्ट वालों को थोड़ा नफरत सी करते थे कि हम साइंस पढ़े तो ये बेकार, स्वाभाविक है बेटा। हमसे पहले कॉलेज में लेक्चरर लग गया, प्रोफेसर कोई लग गया, क्यों कि उन्होंने अपने सब्जेक्ट में मेहनत की, साइंस के अंदर संघर्ष बहुत ज्यादा है, वे उनके सब्जेक्ट आसान थे, उन्होंने मेहनत कर ली, साइंस का तो आगे चल के देखोगे और मतलब तक होती चली जाएंगे डे बाई डे। हाँ भाई, ये दोनों लाइन एक दूसरे के राइट एंगल पे, बताओ क्या करो। cos θ कहाँ से निकालूँगा? ये डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं। कहाँ डायरेक्शन रेशियो है? क्या लाइन उस फॉर्म में है जिसमें होनी चाहिए?
क्या फॉलो थी लाइन की? एक्स माइनस एक्स नहीं है आपकी। आप ऐसा करिए, यहां से माइनस कॉमन लीजिए, एक्स माइनस वन अपॉन थ्री। क्लियर है? ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई किया, आ गया। अरे बेटा ये एक्स माइनस होना चाहिए, एक्स माइनस एक्स वन होना चाहिए, ये वन माइनस एक्स है, तो माइनस से मल्टीप्लाई ऊपर करो और माइनस से नीचे। क्लियर है? अब दूसरे को संभालो, दूसरे में सेवन वाई है, आप सेवन से मल्टीप्लाई करोगे, कॉमन ले लोगे सेवन से, सात दूनी चौदह, और आप मुझे थोड़ा सा मौका दे दो, ऐसे समझ लिया? आपकी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन वाई माइनस वाई वन अपॉन, तीसरा क्या है? तीसरे में आपको कुछ नहीं करना। अरे समझ आ रहा है सबको? इस लाइन के अंदर भी क्या करो, माइनस सेवन कॉमन लो, माइनस सेवन कॉमन लिया, इसको भी आपने नहीं छेड़ा, इसको छेड़ना पड़ेगा, ठीक है? नहीं आया सुने? एक लाइन आपकी ये है बेटा, भाई बोलते रहना किसी को डाउट हो तो, बच्चे तो ऑफलाइन आने के लिए तरसते हैं और मारे जय आशीष है, परवेश है, अगलों की नींदें नहीं खुलती, बहाने इनके पास तगड़ी है। अब देखिए बेटा, जब तक आपकी ये x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन और नहीं होगी, तब तक आप नीचे वाले को डायरेक्शन रेशियो नहीं कर सकते। नहीं, अब ये फॉर्म बन गई है, तो इसके डायरेक्शन में सीधी लाइन फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो डायरेक्शन रेशियो